नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल से यानी सोमवार से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलने जा रहे हैं और ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुल रहे हैं और सबकी निगाहें इस पर भी हैं। जो अभिभावक हैं उनके अपने तर्क हैं, कुछ इसका वेलकम कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इंतज़ार करना चाहिए। कंज्यूमर वेलफेयर फोरम है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके गुजारिश की है कि सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। लेकिन हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ वीके सिंह मौजूद हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, स्कूल एजुकेशन। सिंह साहब, आपका स्वागत है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त COVID-19 खत्म हो चुका है या ये फैसला उचित है? देखिए, COVID-19 के खत्म होने का जहाँ तक सवाल है तो ये तो नहीं कह सकते खत्म हो गया है कि बहुत सारे कंट्री में बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन अपने देश में रफ्तार काफ़ी घटी है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि काफ़ी सेक्टर्स खुल गए हैं जी। आपके सारे इंडस्ट्री खुल रहे हैं, सारे आपके मार्केट खुल रही है, ट्रांसपोर्ट खुल रही है। और जो डाटा शो करता है वो ये है कि 15-16 साल के बच्चों को इन जनरल इफेक्ट कम कर रहा है या दे आर मोर रेसिस्टेंट, आप कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि नहीं इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट तो कर रहा है लेकिन कम कर रहा है काफ़ी। जम्मू कश्मीर के लीजिएगा तो उसके अनुसार जहाँ तक COVID-19 का डाटा है वो अब काफ़ी कम, 100 के नीचे और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत ही कम है। उसी संदर्भ में जो स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया, ये एक काफ़ी सोच समझ कर, जिसमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग थे, हायर ऑफिसर्स जो भी हैं, काफ़ी डिस्कशंस हुए, 3-4 राउंड डिस्कशंस हुए। तब हुआ कि जब सारे सेक्टर्स खुल ही रहे हैं तो बच्चों को क्यों डिनाई किया जाए। बच्चे मार्केट जा रहे हैं, बच्चे अब माल भी जा रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है अब तो। कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूलिंग में केवल ये नहीं है कि हम पढ़ाते हैं, बेसिकली एक समझिए इंट्रैक्शन है जिसके थ्रू बच्चे बहुत सारा चीज़ें गेन करते हैं, लाइफ स्किल्स उनको मिलती है। एक साल से बंद कमरे में रहते रहते शायद उन बच्चों को अब डिनाई करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए निर्णय लिया कि नहीं, स्कूलों को आप खोलें जी। और कल से है कि बच्चे आएंगे जी, तो होप कर रहे हैं बच्चे आएंगे और टीचर्स भी आएंगे और हमारी स्कूल जैसे चलती थी शायद शुरू हो जाए कल से जी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि SOP को भी फॉलो करना है आपने। बार बार अमिताभ बच्चन भी कहते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, इवन प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं, तो क्या ऐसा कुछ हो पाएगा मास्क, सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस? जहाँ तक दो मेन चीज़ें जो प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अक्सर कहते हैं, कि एक तो डिस्टेंस और दूसरा मास्क जी। तो मास्क तो बच्चे जो SOP है उसमें बच्चों को पहन के आना चाहिए, और उसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी है कि बच्चों को थोड़ा सा, शायद इस दौरान उन्होंने मास्क पहनने की हैबिट तो बना ली होगी, क्लास में मास्क पहन कर आएँ। और जहाँ तक डिस्टेंसिंग का सवाल है कि कम से कम 2 यार्ड डिस्टेंस रहे, उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को ताकीद दी गई है कि आप कोशिश कीजिए कि बच्चे यदि 40 हैं और 2 यार्ड की डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते तो आप स्प्लिट करिए, क्लास को स्प्लिट कीजिए जी। माने ये जरूरी नहीं कि सब बच्चे एक ही दिन आए, हर दिन आए जी। माने ऐसे इतने ही बच्चों को बुलाइए जितना का कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, जो कि जी 2 गज की दूरी है वो आपको मेंटेन करनी है जी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे टीचर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड मास्टर हैं, वो फॉलो करेंगे और इसमें दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक मेरा अपना मानना है। चूँकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, जैसे मार्च से ही शुरू हो गया कि मास्क लगानी है, डिस्टेंसिंग मेंटेन, एवरी सब लोग अवेयर हैं, अब कोई नई चीज़ नहीं रही, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी। यानी केजरीवाल फार्मूला इख्तियार किया सकते हैं, ऑड इवन, एक दिन ऑड वालों को बुलाए, एक दिन इवन वालों को? वो हमने HYS पर छोड़ा है। देखिए, इसलिए छोड़ा कि स्कूलों का इनरोलमेंट वैरी करता है, हर स्कूल का, कहीं 100 बच्चे हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 25 भी है। तो हम लोग एक यदि प्रिस्क्रिप्शन इन्फॉर्म देते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो प्रिंसिपल्स हेड मास्टर के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने जो चर्चा हुई अपने डायरेक्टर जम्मू से, डायरेक्टर कश्मीर से, तो हमने कहा कि आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इनफ फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए कि दे कैन डिसाइड ऑन द स्पॉट जी, कि उनको जैसी रिक्वायरमेंट है अपना करें, और इसमें हम लोग इंटरवेन उस लेवल पर नहीं करेंगे जी। क्या आप कुछ पेरेंट्स को बताएंगे कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों को वार्ड्स को भेजें और क्या क्या तैयारी करके भेजें, मास्क दे करके भेजें, या उनको भी आप कहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए? देखिए, पेरेंट्स को जहाँ तक मेरे बताने का सवाल है,
पेरेंट्स काफ़ी देख चुके हैं, पिछले 10 महीने से हम लोग कोविड को फेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से फेस किए, और सारे लोगों का सहयोग जो सरकार को मिला वो कहीं ना कहीं एक एक समझिए सफिशिएंट रिकॉग्निशन है कि दे आर अवेयर जी, और इस रिकॉग्निशन के बाद उनके अवेयरनेस के अनुसार वो खुद जानते हैं कि बच्चों कैसे रख भेजना है जी। एक तो ये हुआ पहला कि पेरेंट्स को हमें अवेयर करेंगे, तो वो 9 महीने में अवेयर हो चुके हैं जी। कोशिश ये है कि हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इनसाइड द स्कूल, पेरेंट्स तो भेज देंगे, इनसाइड द स्कूल वो मेंटेन करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के लिए है एट प्रेजेंट। और उसमें जो मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट है कि स्प्लिटिंग ऑफ क्लास, यदि आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आप कभी मत कोशिश कीजिए कि सब बच्चे एक साथ बैठेंगे क्लास में, आप कोशिश कीजिए कि पहला क्राइटेरिया जो रहेगा वो रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग हमको मेंटेन करनी है, तो दो दो यार्ड में यदि 40 बच्चे में से 20-22 बच्चे हैं तो ठीक है, 22 बच्चे अगले दिन आ जाएंगे, वो आपको प्लान कर लेगा, उन्होंने प्लान किया भी है, दो तीन स्कूलों से हमने डिस्कशंस की, तो दे हैव ऑलरेडी प्लान की सर हम लोग इस तरह से बुलाएंगे। ये भी हो सकता है कि सुबह में कुछ क्लासेज ले लें, कुछ शाम में ले लें, या अल्टरनेट आज ले लें कल उनका हो जाएगा जी। तो कम से कम देखिए अभी चैलेंज ये है कि लोगों के दिमाग से ये भय निकल जाए कि कोविड है जी। सबसे बड़ी तो भय है, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है वो भय की है कि हमको कोविड हो जाएगा, जबकि डाटा आप जो भी स्टेटिस्टिकल डाटा है इसका कोविड के बारे में वो बड़ा क्लियर है कि बच्चों के केस में तो इट्स क्वाइट सेफ, मतलब उतना अनसेफ नहीं है। और दूसरा कोविड रैपिडली डिक्लाइन पर, एटलीस्ट जेएनके में तो बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन पर है, एट द लास्ट वर्जिंग समझिए अभी है, तो उस फियर को इस तरह की एक्सरसाइज से मुझे लगता है फरवरी के अंत तक दूर हो जाएगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी बड़े खुश मिलेंगे आपको, वो भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते कूदते उनको लगा नहीं नहीं ये ठीक है जी। सिंह साहब, कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं CBSE के, उनका बड़ा दबाव था सरकार पर, क्योंकि उनको ना तो ट्रांसपोर्टेशन की फीस मिल रही थी, आगे आगे फीस आने वाली है, तो शायद आनन फानन में जल्दी में उनको संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए ये फैसला लिया गया। ये कितना उचित है आरोप, ये एक आरोप और वो उचित हो ही नहीं सकता। चलिए मैं आपसे ही सुन रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर प्रेशर तो नहीं था जी, मैं बड़ा क्लियर, किसी भी स्कूल वाले ने या किसी हाई ऑफिशियल्स ने या किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि इस कारण से स्कूल खोलनी है जी। हाँ, लेकिन स्कूल खोलना, आपको जो मैंने बताया कि कब तक बच्चे घर के कमरों में बंद रहेंगे, आज न कल तो उनको बाहर आना ही है, और बाहर वो माल में और मार्केट में, रिश्तेदारी में, फंक्शंस में तो जाहिर हैं शुरू कर ही चुके हैं, लेकिन जो उनका अपना एक जो पीयर ग्रुप था स्कूल में कि 5 बच्चे एक साथ बैठते थे, गप्पे मारते थे, पढ़ते थे भी, खेलते, वो रिस्टोर करना ज़रूरी है। वो यदि नहीं कर पाएंगे तो बच्चों में जो अभी डिजिटल लर्निंग कहते हैं, डिजिटल लर्निंग से जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बोथ, एक तो एडिक्शन, जो बच्चे आज मोबाइल पर 8-8 घंटा लैपटॉप पर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके एडिक्ट हो रहे हैं right. उनका अप्रोच जो लाइफ के प्रति है इतना एब्स्ट्रैक्ट होता जा रहा है, बिकॉज देर नॉट कभी एक्चुअल तो देख नहीं रहे हैं, वो तो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर और मोबाइल पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एब्स्ट्रैक्ट जो बहुत ज़्यादा हार्म करेगा न कि स्कूल खोलना जी। मैं हम लोगों ने डिसीजन में ही कहा कि अभी हम लोग के पास चैलेंज ये है कि स्कूल खोलकर उन बच्चों को उनकी पीयर ग्रुप से मिलवाएं और एक अच्छी सोशल लाइफ दें, कि उनको डराकर बंद कमरे में रखें जी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, अब समय आ गया है कि हम लोग स्कूल खोलें और देखते हैं, यदि बहुत ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिसीजन बदली जा सकती है। ऐसी कुछ नहीं है कि हमने कोई ये कहा है कि स्कूल चलेगा ही चलेगा, बच्चे बीमार पड़ते जाएंगे हम। देखिए, इस तरह के डिसीजन में हमेशा एक सोशल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पेरेंट्स महसूस करते हैं, हम महसूस करते हैं कि नहीं ये अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, इसको बदला भी बदला भी जा सकता है। ऐसा कि हम लोग एडमिट रहेंगे कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, 100 बच्चे बीमार हो गए हम कहेंगे स्कूल चला, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, बच्चों ने इस COVID-19 में ऑनलाइन शिक्षा लेना सीखा, ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। अब बच्चे ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन स्टडी की है तो पेपर ऑफलाइन क्यों दें, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दो दो कमरे में कैसे आप परीक्षाएं लेंगे, और उसमें 2 गज की दूरी भी रखेंगे, क्या आपको लगता है पॉसिबल है ऑफलाइन? देखिए, आपको एक वाक्य जैसे आपके इसी पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, अभी मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी
उसमें स्कूल ओपनिंग पर डिस्कशन था, वो जानना चाहते थे कि विभिन्न राज्यों में क्या सोच है जी। और हमने जब उनको बताया कि हमारे यहाँ अभी ऑनलाइन क्लासें तो जम्मू में हुई, आप कश्मीर की करेंगे तो वहाँ चूँकि 2G और इंटरनेट बहुत अच्छी सुविधाएँ नहीं थी, तो उस दौरान हमारे टीचरों ने एक बेहतरीन काम किया, उन्होंने कम्युनिटी क्लासेज लिए, जो पहले कभी हम लोग पढ़ा करते थे गुरुकुल में कि बाहर पेड़ के नीचे बैठ गए और पढ़ रहे हैं, दे डिड इट इन बिग वे जी, माने इतने अच्छे तरीके से किया कि मैं भी मेसमराइज हूँ। मैं देखा उसके वीडियो सारे चीज़ें देख के लगा कि इनके भी अपने तरीके हैं ईजाद करने के, माने जिस तरीके से क्लास को ओपन में रन करना और फिर एग्जाम भी कंडक्ट करना, असाइनमेंट्स देना, इट्स एग्जेम्पलरी। और बल्कि इसके इसलिए कमेटी ने पहली बार, मैं तो कमेटी में काफ़ी बार गया हूँ, पहली बार जेएनके टीम के लिए उन्होंने तालियां बजाई कि नहीं आपने तो कमाल कर दिया, कहा कि देवर एक्सपेक्टिंग कि जम्मू कश्मीर में तो पढ़ाई बंद होगी, इंटरनेट है नहीं, माने जो स्पीड है उस स्पीड पर हाँ पढ़ाई नहीं करवा सकते, माने पॉसिबिलिटी कम है उसमें, उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन स्पाइट ऑफ 2G कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, सिचुएशंस हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए शुरू में, लेकिन दे केप्ट, टीचर्स ने अपना पैसेंस रखा और उनको पढ़ाया। जम्मू साइड में तो खैर ऑनलाइन क्लासेज जो कह रहे हैं लगभग मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेज हुए, और ऑनलाइन क्लासेज में जो आप कह रहे हैं दिखते हैं, सीखे नहीं कहे, ऑनलाइन क्लासेज तो बच्चे पहले से भी कर रहे थे थोड़े थोड़े, और मोबाइल टैबलेट से तो बच्चे आज 3 साल से शुरू करते हैं, इसलिए ये कहना कि वो एकस्टम्ड नहीं है और जानते नहीं, ऐसा नहीं है, जानते हैं। हाँ थोड़ी फ़ायदा ये हुई कि ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू हम थोड़ा सा लर्निंग गैप्स को मेंटेन कर पाए कि ज़्यादा वाइडन ना हो, लेकिन जहाँ तक क्लास ट्रांजेक्शन्स के जो अपने रिजल्ट्स होते हैं, जो क्लास में 1-to-1 पढ़ाई होती है जी, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एग्जैक्टली यानी आपका अनुभव ये कहता है कि सामने फेस टू फेस उसका कोई विकल्प नहीं है जी, इंटरेक्टिव है जी। जी जी सिंह साहब, कभी आपको ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर के लोग एजुकेशन को लेकर के किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं, हालांकि हमें जम्मू के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो इस मामले को लेकर के बड़े अवेयर है कि उनके बच्चों की स्टडी सफ़र नहीं करनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, जम्मू के लोग भी अवेयर हैं, यहाँ भी ट्यूशंस कोचिंग उतनी चल रहे हैं जितने कि श्रीनगर में चल रहे हैं, ये इस चीज़ को उस तरह से मैं नहीं लेता। पेरेंट्स यहाँ भी अवेयर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की हालात में, कश्मीर की जो हालात है उसके अनुसार उनकी रिएक्शन से अप्रोप्रिएट है जी, और आपकी हालात वैसी नहीं है, इसलिए इस तरफ की हालात थोड़ी बेहतर है उस तरह कश्मीर के रिस्पेक्ट में, इसलिए नेचुरली उनका कंसर्न ज़्यादा रहता है। लेकिन ये कहना कि जम्मू के पेरेंट्स कम कंसर्न रखते हैं, ऐसा सत्य नहीं है। सिंह साहब, मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे इस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसके बावजूद भी नहीं, उल्टा है, इन परिस्थितियों के कारण ही ये कंसर्न है। अच्छा, आप समझ रहे हैं, कहे कि उनके पास ऑप्शंस नहीं है जी, टाइम टू टाइम स्कूल बंद रहते हैं मान लीजिए तो फिर क्या करेंगे जी, उनको अपने अपना टेक केयर करना पड़ेगा। जम्मू में आप चूंकि स्कूलें खुली रहती हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, तो नेचुरली बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, नॉर्मल अपना चल रहा है, तो दैट वे उनका कंसर्न ज़्यादा इस परिस्थिति के कारण भी है बहुत ज़्यादा जी। और थोड़ा हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकता कि ट्रेडिशनली वो ज़्यादा अच्छा करते हैं या जम्मू ज़्यादा अच्छा करते हैं, वो अलग क्वेश्चन है जी। लेकिन पेरेंट्स की देखिए, फादर फादर होता है, मदर मदर होती है, उसके लिए बच्चा का कंसर्न उतना ही रहता है जितना कि किसी का ही हो सकता है, वो ज़्यादा डिफरेंस रिलीजन और कास्ट या रीजन से नहीं होता है जी, उस संदर्भ में वो चीज़ उस तरह से नहीं है। सिंह साहब, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है, हम देखते हैं कि अगर हम तुलना करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ और कंपेयर करते हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो एक तो इनरोलमेंट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, एक पियॉन भी होगा उसकी भी कोशिश रहेगी कि वो एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डाले, और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो स्टफ है, जो फैकल्टी है, वो हाईली क्वालिफाइड है, क्योंकि SSRB का इंटरव्यू या टेस्ट वेस्ट देने के बाद आते हैं, और दूसरी तरफ तुलना करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, वहाँ टीचर इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, हम ट्रस्ट क्यों नहीं बना पाए, ये डिफिसिट कैसे आ गया और इसको कैसे दूर किया जा सकता है?
ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन आपने पूछा है जी कि डाटा के अनुसार अराउंड 7,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी इनरोलमेंट लगभग 10.5 लाख है जी और हमारे लगभग 23,000 हैं, तेईस मतलब हजार हमारी इनरोलमेंट 11.5 लाख है। जी तो आपने जो कहा वो बहुत ट्रू है कि समहाउ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स अट्रैक्टिव नहीं है। माने प्यून का भी बच्चा भी सोचता है कि बगल में प्राइवेट स्कूल है छोटा तो डाल देते हैं, जी क्यों इसमें पता नहीं क्या होने वाला है। मेरी कोशिश देखिए, मैं जिस संदर्भ में चार्ज लिया हूँ अभी, मेरी जी पूरी कोशिश होगी कि स्कूल को इतना अट्रैक्टिव बनाएं, हमारे टीचर इतना कैपेबल हों, तभी जाकर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हमारे टीचर की क्वालिफिकेशन है लेकिन सम हाउ वी आर नॉट, हम कहें उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, कुछ हमारे अब डिपार्टमेंट की गलती है, कुछ इन्वायरमेंट है, सब मोटिवेशन है। मैं कोशिश करूंगा कि ये धीरे धीरे हमारे स्कूल काफ़ी अट्रैक्टिव हों, और इसके लिए सबसे पहला जो अप्रोच हमने अपनाया, हमने कहा कि जो बच्चे किंडरगार्टन में जाते हैं, नर्सरी KG 1 KG 2, एट दैट लेवल ही हम अट्रैक्ट करें। और लगभग दो वही हज़ार स्कूलों को, मेरी अपनी टारगेट है जिसमें पर्सनली मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो 2,000 स्कूलों में किंडरगार्टन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो। जी उसके लिए जो सुविधाएं हमें देनी होगी, जो रिसोर्स इन्वेस्ट करना होगा, हम करेंगे। और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी लगभग यही है कि बच्चे को टैप कीजिए आप 3 साल की एज में, न कि 5 साल 6 साल में। तो उस संदर्भ में एक मेजर अप्रोच, कश्मीर में इन्रॉलमेंट बढ़ने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। उन्होंने कंपेन चलाई है हाँ, इस तरीके कंप्लेन भी से। चलाई। और हाँ ये जो अर्ली चाइल्ड केयर का एजुकेशन है, जी नर्सरी KG 1 KG 2, उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जम्मू में भी अभी कर रहे हैं, मार्च में हम कंपेन यहाँ भी चलाएंगे, और उसके बाद कंपेन करके लोगों को निराश नहीं करेंगे। ऐसा ना कि एडमिशन लें और हमारे यहाँ पढ़ाई ना हो, ये नहीं हो सकता। पढ़ाई इन द सेंस कि प्लेफुल एक्टिविटी अच्छी हो, और उसके लिए कोशिश है कि हर स्कूलों को एक तो कनेक्टिविटी दें, एक्टिविटी ऑनलाइन क्लासेज हों, और हमारे जो टीचर्स हैं वो उन ऑनलाइन क्लासेज के सारे एक्टिविटी करवाएं। चूंकि मेरा अपना जो मैंने देखा तजुर्बा जो रहा, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के संदर्भ में जो ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो परफॉर्मेंसेज हैं, उस संदर्भ में मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ कि बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन ये कर सकते हैं कॉम्बिनेशन, जो हमारे टीचर्स हैं वो क्लासेज को मॉनिटर करें और एक्टिविटी कराएं, और ऑनलाइन क्लासेज उनको हम रन कर पाएं, जैसे कंटेंट ऑनलाइन उनको इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पर आ रहा है। जी दे शुड सी द स्टोरी, डू द एवरीथिंग, लेकिन जब एक्टिविटी की बारी आए ना तो हमारे टीचर करा दें। तो बोथ वे, माने ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये ब्लेंडेड यदि करेंगे तो हमारे स्कूल आपके प्राइवेट, आपके नहीं हमारे प्राइवेट स्कूल्स भी काफ़ी, गवर्नमेंट स्कूल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और ये फर्स्ट हमारा स्ट्रेटजी है कि बच्चे को 3 साल की उम्र में पेरेंट्स को ये महसूस कराए कि नहीं ये स्कूल ठीक है, चलो यहीं चलते हैं, ठीक ठीक तो शायद इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। सिंह साहब, आजकल तो लोग स्वेटर रेडीमेड डालते हैं, और पहले हमने टीचर्स को स्कूलों में स्वेटर बुनते भी देखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि CCTV लगाने की ज़रूरत है? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो होता है, जो ऑनर होता है, अगर 5,000 देता है वो 5,000 वसूल करता है, यहाँ पर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन 2 घंटे लेट आएगा, वो टीचर को क्या कहेगा? क्या देखिए, मैं टीचरों को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते। मैं तो इसी में फर्म बिलीव कर रहा हूँ कि हमारे टीचर उतने बुरे नहीं जितना कि लोग परसीव करते हैं, चाहे परसेप्शन है। आप ऐसा तो नहीं, डिफेंड करेंगे। नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले सेशन में मैंने ही देखा, उनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। कभी सोचिए, एक टीचर जनरल लाइन टीचर में लगता है, रिटायर्ड जनरल लाइन टीचर में कर रहा है, उसके लिए क्या एस्पिरेशंस होंगे? राइट हम अपॉइंट होते हैं एज ए, समझिए, लोवेस्ट स्तर पर, और सेक्रेटरी लेवल तक, चीफ सेक्रेटरी, सब सब लेवल तक सब पहुंच रहे हैं। तो उन टीचरों को पहला तो कैरियर प्रोग्रेशन हमें देखनी पड़ेगी इस तौर पर कि उनको भी लगे कि हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल गिव देम मोटिवेशन। जी सेकेंड है उनकी आप ट्रेनिंग देखिए। एक बार जनरल लाइन टीचर BEd कहीं से करके आए, BEd कैसे होता आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, उसमें डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है ना। लेकिन कर कर आ गए, उसके बाद सीधा वो क्लास ट्रांजेक्शन में जाते हैं, सीधे क्लास में गए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब उनकी कितनी क्षमता हमने डेवलप करने की कोशिश की, ये कभी हम सोचते ही नहीं। जी हमने कभी उनको इस तरह से ओरिएंटेशन नहीं दिया, कभी पूछा नहीं कि आप बताओ जी आपको क्लास में क्या दिक्कत आई थी, जी उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं।
यदि हमने पूछा होता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती जो आप कह रहे हैं कि टीचर, देखा मैं फर्म बिलीव करता हूँ इसमें कि टीचर अच्छे होते हैं और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एसएसबी से सिलेक्टेड हैं, उनमें क्षमता है, उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको उनमें क्षमता नहीं है। तीसरा है कि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, मैं तो आधा जब से ज्वाइन कर आधा टीचरों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भागता देखता हूँ तो मैंने पहला काम यही किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग मत नहीं करेंगे, ठीक है। एक ही बार ऑनलाइन अभी ड्राइव चल रहा है, दोनों डायरेक्टर कास्ट में है, हाँ ले आप ऑप्शन दीजिए, आपको हम पूरा एनालाइज करेंगे और पब्लिश करेंगे, पर ऑर्डर्स करने के पहले आपको बताएंगे कि ये आपकी हो रही है, आप देख लो इसमें कोई आपको असुविधा है, कोई दिक्कत है बताइए। और आप लोग सोच रहे होंगे शायद ये आइडियलिस्टिक है, ऐसा नहीं है, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आधे से ज्यादा टीचर्स का समय इसी में गुजरता है, तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि कुछ रैशनलाइज करने की जरूरत है? आप देखिए यहाँ पर बच्चे कम होते हैं, टीचर्स ज़्यादा होते हैं, किस सिटी में, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार भी होंगे, जुडिशरी के रिश्तेदार भी होंगे, आप इतना बड़ा स्टेप कैसे लेंगे उसको रैशनलाइज करने के लिए? और कुछ दूर दराज गाँव हैं, देखते जाइए, नहीं कुछ दूर दराज गाँव हैं सिंह साहब, सब हो वहाँ पर मतलब 300-300 स्टूडेंट्स हैं और एक एक आध, देखिए सब होगा, मैंने काफ़ी टीचर, मैं कम से कम 300-400 टीचर्स तक मिल चुका हूँ, जो मैंने महसूस किया कि मैक्सिमम लोगों को ये विश्वास ही नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर वापस आऊँगा, जैसे हार्ड एग्जाम को चला गया डोडा तो उसको ये विश्वास नहीं गला 5 साल तक कोई मुझे वापस लाएगा जी, तो ये फीलिंग रहेगी तो नेचुरली वो भागता फिरेगा जी, वो क्यों कहेगा कि हम डोडा के पैडर में जाके 5 साल नौकरी करेंगे जी। यदि उसको ये भरोसा हो कि 2 साल में लौट के हम जम्मू के बेस्ट स्कूल में आ सकते हैं अपने चॉइस से, वो जाएगा, क्योंकि लगेगा 2 साल यदि हम इन्वेस्ट किए तो होगा जी। और इस संदर्भ में मैं जहाँ पहले था पोस्टेड, उसमें मैंने लगभग ऑनलाइन सिस्टम पूरी ऑटोमेशन, यहाँ तो उतनी नहीं कर पाए, इस साल प्रोसेस ऑटोमेशन है, दैट मीन्स कि हम जो लॉजिक्स कहते हैं कि इनको देना है कि इनको देना, वो सब इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में है जी। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस ही नहीं है, तो जो आप कह रहे थे ना कि डीसी साहब वट एवर भी ऑल टेकन के भाई ऑटोमेशन हो जाएगा, क्या उसमें हमारी भी नहीं सुनेगा वो जी, भरोसा रखे होगा। लेकिन कुछ जो यूनियन के लीडर्स होते हैं उनका काम यही होता है, प्रोटेस्ट करना है और अपनी पोस्टिंग अच्छी जगह रखनी है, उनका भी नहीं उसमें कहे ना ह्यूमन इंटरफेरेंस न्यूट्रल है। ओके, तो वो बड़े कोई साहब रहेंगे या बहुत छोटे साहब रहेंगे या कोई भी रहेंगे, तो हमारे बस की भी नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर और वो ह्यूमन न्यूट्रल है, हम उसके सॉफ्टवेयर के सर्वर में जाके चेंज नहीं कर सकते, क्या कि यू नो जैसा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक ही चीज़ है कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर होती है जी, कि कौन गया, क्या चेंज किया, क्यों चेंज किया, सो एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सप्लेन। मैंने वहाँ लगभग मेरे पास 25,000 एम्प्लॉई थे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में, इट वर्क्ड वेरी वेल, माने जो कहते वो भी सेटिस्फाइड हुए और लगभग सेटिस्फैक्शन रेट थी 97-98% ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स। तो मैं भी यहाँ विजुलाइज कर रहा हूँ कि शायद इस बार तो सेमी ऑटोमेशन है कि प्रोसेस को ऑटोमेशन इस बार नहीं कर पाए, थोड़ी सी टाइम कम मिली, लेकिन अगले साल से प्रोसेस पूरी ऑटोमेशन जाएगी जी। सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस को रिवार्ड दिया जाना चाहिए जिनका 100% रिजल्ट आता है, जिनका रिजल्ट कम आता है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या उनकी इंक्रीमेंट को रोका जाना चाहिए? इंक्रीमेंट रोकने की प्रथा पहले से भी है, लेकिन आप आए हैं तो कुछ बदलाव की गुंजाइश हम रखते हैं। जो आप कह रहे हैं उस पर कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी जेके बोस से रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप हमें रिजल्ट्स दो जी, और उस रिजल्ट्स को हम कोशिश करेंगे कंपेयर करने की कौन टीचर थे और पिछले 3-4 सालों में परफॉर्मेंस कैसी रही, या तो कंसिस्टेंट होगी, मान लीजिए बहुत हाई कंसिस्टेंसी है, हाई मार्क्स आते हैं और कंसिस्टेंटली आने तो ब्रिलियंट टीचर है, मान लीजिए कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी नहीं है जी, दैट मीन्स कि फैक्टर्स आर एक्सट्रेनियस, कुछ बाहर के फैक्टर में ट्यूशन लिया हुआ जो 2-4 बच्चे कर गया, लेकिन अदरवाइज स्कूल के टीचर बहुत अच्छे नहीं होंगे। तीसरा है कि लो परफॉर्मेंस है, तो लो परफॉर्मेंस 2 स्ट्रेटजी रखेंगे, एक तो उनकी ट्रेनिंग करवाना, जो 3 तरह के ट्रेनिंग के हमने फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक 21 डेज का जी, जिनकी गैप काफ़ी है सब्जेक्ट नॉलेज में जी, तो उनको एक 21 डेज की हम ट्रेनिंग करवाएंगे। तो कहा कि पहले देखिए इंक्रीमेंट रोकना ये सब चीज़ें सेकेंडरी स्टेज है, फर्स्ट तो उनको इक्विप कर दें, जो मैंने पहले बताया कि उनको मोटिवेट करके इक्विप कर दें, तो ही फेल होते हैं, तब तो मुश्किल है, तब तो एक्शन विल बी टेकन, तब तो कोई चारा नहीं है।
लेकिन पहले कोशिश होगी जो गैप है उसको हम कोशिश करें कि भरें, इसलिए 21 डेज का, 15 डेज का, 7 डेज का ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग अच्छी होगी। आप एश्योर करते हैं आपको कभी ले जाएंगे ट्रेनिंग में, आप देखेंगे ट्रेनिंग एक्चुअली होगी, इम्पैक्ट होंगे और इम्पैक्ट को उनके रिजल्ट से कोरिलेट करेंगे, आउटकम बेस्ड होगी। यदि टीचर केमिस्ट्री में ट्रेनिंग लिया तो केमिस्ट्री के उस 21 दिन के ट्रेनिंग के बाद रिजल्ट्स में 2-3% या फिर क्या डिफरेंस आया, यदि नहीं आया तो बेकार है फिर, इसलिए आउटकम बेस्ड है ये जी। कि आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपके आउटकम में नजर आना चाहिए, आउटकम मींस की बच्चे की परफॉर्मेंस जी। आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि आपने भी देखा है दूरदराज फार फ्लांग एरियाज में जाते हैं ना, बाउंड्री वॉल्स हैं, हम तो कहते हैं कि शौचालय भी कंप्लीट है, लेकिन हमने सच्चाई देखी है, सदाकत देखी हुई है कि कहीं ना कहीं जरूरत है। ज्यादा अपग्रेडेशन से बेहतर है कि आप पहले एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दें। देखिए आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, बेसिकली स्कूल बनाने की जो आपने कहा अभी जरूरत नहीं है, लगभग अभी एकदम जरूरत नहीं, जो स्कूल है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। और हमारी कोशिश है 31 मार्च तक ड्रिंकिंग वाटर और सेफ इन्वायरमेंट फॉर हाइजीनिक एंड सेफ इन्वायरमेंट स्कूल में मिले और हर टैप चलने लगे जी। ये तो कोशिश करेंगे हर बाथरूम में, नीचे जो बनानी सम्प बनानी है, जो ओवर टैंक लगाने हैं और वाटर स्टोर करना, पंप करना, देन हर बाथरूम में जाए और साफ बाथरूम हो, 31 मार्च का टारगेट रखा हुआ है। और PHE से भी हमने काफ़ी अच्छी डिस्कशंस हुई और होपफुल है कि हम करेंगे, शायद उसके बाद आपको स्कूलों में थोड़ी अच्छी जी। मास्टर ग्रेड की पोस्ट क्रिएट करनी है, 4,000 के करीब हैं कुछ, वो आए हुए थे हमारे पास, उनका मसला कहाँ तक पहुँचा है? मास्टर ग्रेड की वो है बेसिकली, देखिए अभी जो पोस्ट खाली एक ही जगह पर है जी, वो पोस्टें खाली हैं, लेक्चरर बननी है लगभग 3700 टीचर्स को, कुछ तो हो चुके हैं कुछ से, कुछ अभी बाकी है। तब ये जब प्रमोट होंगे तब नीचे मास्टर की पोस्ट खाली होगी। तो एक DPC हो गई जून जुलाई 2019 में, अब DPC एक मार्च अप्रैल में होगी, उसके बाद वो पोस्टें खाली होंगी, वो चले जाएंगे। और दूसरा एक हेड टीचर्स हैं, मास्टर्स और हेड टीचर्स, उनकी प्रॉब्लम है, हाँ उनकी दिक्कत क्या है कि वो कार्डर में हेड टीचर का नाम नहीं है, लोगों ने पहले कैसे क्या क्या किया उस पर मैं नहीं जाऊँगा, जब पोस्ट नहीं था तो कैसे प्रमोट किया, कैसे बनाया, इसमें क्वेश्चन तो मैंने कहा कि उसमें मैं उसी रिसर्च में लगा रहूँगा फिर। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो हेड टीचर्स को मास्टर के कैडर में ले आएँ ताकि उनकी सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन हो जाए जी। एक CPW वर्कर्स होते हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दे रखी होती है, उनको औसतन 2.5 रुपये प्रतिदिन सैलरी मिलती है, तो उनका भी कुछ करने की ज़रूरत है? चलिए देखते हैं। हुआ देखिए, एक बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि RET स्कीम जो हुई उसके कारण लगभग 28,000 सुपर एनुअली पोस्ट क्रिएट हो गए जी। अब जो भी वैकेंसी आएगी, सुपर एनुअली पोस्ट का मीनिंग है कि वो वैकेंसी उसमें सब्ज्यूम हो जाएगी, मान वैकेंसी होगी नहीं जी। तो अब हमें किसी को भी रेगुलराइज करना, कुछ भी करना हो तो हमारे पास पोस्ट ही अगले 5 साल के लिए नहीं है जी। क्या कि जो 28,000 हैं वो धीरे धीरे सब्ज्यूम होंगे उसमें, तब जो उसके बाद जब सारे सब्ज्यूम हो जाएंगे तो देन वैकेंसी विल स्टार्ट जी। बाकी अभी उसमें कोई देखते हैं जी। सिंह साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।